इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति मानुषस्तिरस्मे प्राचे विदिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। समय समय पर नारी जाति की इस भारत देश में निंदा की गई है। लोग कहते हैं कि भारत की नारी का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि हमारे वीतराग संतों ने भी नारी की स्तुति की है। नारी को वो गरिमापूर्ण स्थान दिया है, नारी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वो नारियां धन्य हैं जो दुनिया में संत महंत और भगवंत पैदा करती हैं। क्योंकि जब भी बात चलती है धर्म की तो लोग कहते हैं कि नारियों का स्थान नहीं है, नारियां पतित हैं, नारियां मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, नारियां मस्जिदों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि फिर नारी स्वर्ग में प्रवेश कैसे करेगी। लेकिन किसी भी मजहब के संत महंत फकीर अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों को देखें तो उसमें नारी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नारी के विकास के द्वारा ही, नारी के संस्कारों के द्वारा ही नर इतना महान हुआ है। और आज वर्तमान में भी देखने में आता है कि कहीं प्रवचन सभा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, नारी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। यदि कहीं दो पुरुष होंगे तो 100 नारियां मिल जाएंगी। और धर्म के लिए यदि प्रेरणा भी करती है तो नारी करती है। इसीलिए नारी का स्थान बहुत आगे रखा गया है। लेकिन फिर भी नर ने हमेशा निंदा की है। नारियों के लिए कहा है कि नारियां नरक का द्वार हैं, नारियां विष की बेल हैं। पूजा में कहते भी हैं, संसार में विष बेल नारी तज गए योगी स्वरा। मैं कहती हूँ योगी स्वरा तज गए। योगी जिन्हें आत्म ध्यान में लीन होना था वो तज दें तो कोई बात नहीं, वो राग का कारण मानकर उन्हें छोड़ दें तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ग्रस्त हैं, जो सदग्रस्त है, जिसे अपने जीवन में अच्छा आचरण लाना है, जिसे अपने जीवन में संयम तप और दान करना है, वो बिना नारी के अधूरा रहेगा। नारी नहीं रहेगी तो उसके घर में अहिंसा दया परोपकार जैसे कार्य नहीं हो पाएंगे। नारी नहीं होगी तो उसके परंपरा नहीं चल पाएगी। नारी नहीं होगी तो हमारे मंदिरों की रक्षा संरक्षण और गुरुओं की सेवा भक्ति आराधना पूजा पाठ उपासना कौन करेगा। क्योंकि नारियों को ये जरूर चाहिए कि नारियां अपनी प्रकृति में जिएं, नारियां जो हैं वह उसी रूप में जिएं। नारियों का व्यक्तित्व पुरुष से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन आज तक सदियों सदियों से नारी या शोषित रही है या उच्छृंखल हो गई है। पहले सदियों तक नारी को शिक्षा नहीं दी गई, क्योंकि पुरुषों को पता था जिस दिन नारी शिक्षित हो जाएगी पुरुष के समकक्ष खड़ी हो जाएगी फिर नारी को दासी कहना मुश्किल हो जाएगा। और नारी को दासी ना कहना पाने के कारण एक पुरुष को लगता है कि उसके स्वाभिमान को धक्का लगता है। पुरुष जब भी बात आती है तो लोग कहते हैं नारी परछाई है पुरुष की। मैं कहती हूँ परछाई होगी कार्बन कॉफी हो जाएगी। और कार्बन कॉफी बड़ी महंगी होती है, उसका कहीं मूल्य नहीं होता है। और नारी को कार्बन कॉफी ना बनाए,
नारी के प्राकृतिक गुण हैं जो उस नारी में रहने दें। नारी के अंदर प्रेम है, दया है, सम्मान है और समर्पण है। नारी के अंदर करुणा है, लोच है, शर्म है, हया है, माधुर्य गुण है। उसके गुणों को विकास पूर्ण रूपेण होना चाहिए। हम नारी को नर जैसी शिक्षा दे रहे हैं। पश्चिम ने भी नारी के साथ एक दुर्व्यवहार किया कि भोग की सामग्री मान ली, और पूरब ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे त्याग की सामग्री मान ली। जब भी कोई संसार से जाता है, सन्यासी हो जाता है, लोग कहते हैं औरत को छोड़ दिया, नारी को छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। मैं कहती हूँ नारी क्या इतनी शक्तिशाली है कि नारी को छोड़ने से संसार छूटता होता तो एक नारी बहुत छोटी सी चीज हो जाती। नारी कहें कि नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, लेकिन नारी वास्तव में, यदि नारी हर स्थिति में नारी पूज्य है, नारी अच्छी होगी, नारी शिक्षित और संस्कारित होगी, तो नारी एक बहन भी है, नारी एक पत्नी भी है, नारी एक बेटी भी है, नारी एक माँ भी है। यदि संस्कारित होगी तो माँ के रूप में शिक्षा देगी, पत्नी के रूप में सहधर्मिणी भी बनेगी, और बेटी के रूप में तुम्हारा घर, आंगन, परिवार और किसी का, सामने वाले का परिवार एक चहका देगी, उसके घर में गुलशन बना देगी, वीरान को भी बस्ती बना देगी और मकान को घर बना देगी। क्योंकि जब तक एक घर के बीच में नारी नहीं होती है, तब तक नारी के बिना घर अधूरा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा विवाह के टाइम में लोग कहते हैं घरवाली, लेकिन आज हमने उसका रूप बदल दिया है। घरवाली का रूप लोग वाइफ कहने लगे हैं। वाइफ किसे कहते हैं जो चौपट कर दे लाइफ को, जिसके जीवन में कोई अस्तित्व ना हो, जिसके अंदर कोई समर्पण ना हो, लेकिन हमने नारियों को नर के समान होने पर सम्मान दिया है। जो नारी लड़ती है, पौरुष का काम करती है, उसको कहते हैं कि नारी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्यों कहते हैं ऐसा कि झांसी वाली रानी? नारी का रूप सम्मान जब ही मिलेगा जबकि वो एटम बम चलाएगी, जब वो दुनिया का विनाश के कगार पर खड़ा कर देगी, दुनिया के मातृत्व को नष्ट कर देगी, दुनिया की प्रेम की शक्ति को विनाश कर देगी। लोग कहते हैं नारी विष की बेल है। मैं सोचती हूँ विष की बेल है तो सारे अमृत के फल तो नारी पर ही लगते हैं। सारे संत महंत किससे पैदा होते हैं? सारे संत और महंतों की आत्मा कहाँ विकसित होती है, उनका शरीर कहाँ पूर्ण होता है? उस नारी के गर्भ में रहकर उसे संस्कार मिलते हैं। नख से लेकर सिख तक नारी की संरचना है। नारी के गर्भ में उसका प्रादुर्भाव होता है, नारी के गर्भ में उसका विकास होता है, और नारी के द्वारा ही उसे पूर्ण रूपेण हड्डी, मांस, मज्जा, जो कुछ भी बाल, नख निर्मित होते हैं, नारी के गर्भ में होते हैं। फिर पुरुष ने सदियों से क्यों निंदा की है? हमारे यहाँ नील गाय को या गाय की हत्या प्रतिबंधित है, लेकिन 1950 में जब ये कानून बना बंगाल में, नारी नील गाय ने बहुत खेती खराब कर दी, तो सरकार ने कानून बनाया कि नील गाय को गाय नहीं रहने दिया जाए, नील गाय का नाम नील घोड़ी कर दिया जाए, और उसके बाद बेतहाशा हत्या की गई। ये नाम बदलने से क्या काम बदल जाएंगे? हम बहुत अजीब आदमी हैं, हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे सकते हैं नारी को। और मैं कहती हूँ नारी का हर जगह प्रवेश होना चाहिए, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, और नारी, लेकिन नारी अपनी गरिमा को न भूले। आज की वर्तमान की नारी शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को भूल गई है, पुरुषों की तरह कवायद करती है, पुरुषों की तरह युद्ध में के मैदान में बम फेंकने के लिए तैयार खड़ी है। ऐसी नारी हमारे देश का विकास नहीं कर सकती है। नारी को हम सम्मान जब ही दे पाएंगे जब नारी अपने गुणों को विकसित करे। नारी अपने पूर्ण रूप में गुणों को विकसित करे, कला, संगीत और संस्कृति को, सम्मान को, प्रेम पूर्ण वातावरण को बनाए, तो वास्तव में नारी एक दोबारा से सुंदर भारत की, सुंदर देश की, सुंदर भविष्य की और सुंदर नागरिकों की रचना कर सकती है। हम सदियों से ये कहते आए कि नारी ने दुनिया को पतित किया है। मैं कहती हूँ नारी ने पतित किया है तो ये बेस्याघर, कोठे, पुरुष ने क्या अत्याचार नहीं किया नारी पर? उसे बलि की वेदी पर चढ़ा दिया गया। नारी को जब चाहे पुरुष ने हाथ का खिलौना समझा और तोड़कर फेंक दिया, जब चाहा तब छोड़ दिया,
जब चाहा तब अपना लिया और नारी को सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं की ज्वाला में जला दिया। उसके बाद भी हम कहते हैं मैं चुपचाप सहती रही, क्या दोष था? क्या यही अध्यात्म था कि नारी को पुरुष के साथ जला देना? ये पुरुष की प्रवृत्तियां का कुठाराघात था ताकि नारी कहीं किसी और पुरुष को स्वीकार न कर ले। इसे नारी को हमने सम्मान दिया कि वह सती हो गई। दुनिया में जाकर देखो चबूतरे, पुरुषों के एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं मिलेगा, सतियों के कई चबूतरे मिलेंगे। बाल विवाह है, विधवा विवाह है, विधवाओं को कितनी ताड़ना दी गई हमारे यहाँ। बाद में जाकर सुधार हुआ थोड़ा बहुत, और मैं कहती हूँ कि इन चीजों की जरूर बात है कि हमें हमारी नारी को सम्मान और सील का ध्यान रखना चाहिए। नारी पर्दे की वस्तु है, उसे पर्दे में नारी को आज शिक्षा नारियों की भिन्न होना चाहिए। पुरुषों जैसे गणित और विज्ञान नारी को पढ़ाए जाएंगे तो नारी शिक्षित भले ही हो जाए लेकिन एक कुशल गृहिणी, आदर्श गृहिणी नहीं हो पाएगी, और जब आदर्श गृहिणी नहीं हो पाएगी तो परिवार में संस्कार नहीं दे पाएगी। संस्कार के अभाव में जो भी संतानें होंगी वो उच्छृंखल हो जाएंगी, वो दंड हो जाएंगी, उनके द्वारा सिर्फ विध्वंस की लीला, विध्वंस का तांडव रचा जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ नारियों को शिक्षा दी जाए। कैसी शिक्षा दी जाए? उन्हें कला, उन्हें संगीत, उन्हें काव्य सिखाया जाए, उन्हें गृह विज्ञान सिखाया जाए, उन्हें पाक कला सिखाई जाए, और यदि नारी को कहीं शिक्षित भी किया जाए, नौकरियों पर भी रखा जाए, तो नारियों को सिर्फ इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर, चुस्त कपड़े पहन लेगी नारी तो उसके जीवन में संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा, उसके जीवन में विषाद प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब चुस्त कपड़े पहने होते हैं तो कई कई जीने, आप दो दो जीने एक साथ चढ़ जाते हैं, एक साथ उतर जाते हैं, लेकिन ढीले कपड़ों में हो तो हमारी चाल ढाल में भी अंतर पड़ जाता है, और हमारी चाल ढाल अंतर होती है, इससे पता चलता है एक नारी के अंदर कितना माधुर कोमलता, कितना लालित्य था उसके अंदर, कि एक पुरुष के आकर्षण का केंद्र थी। और जब तक दूरियां बनी रहेंगी थोड़ी, तब तक नारी आकर्षण का केंद्र रहेगी। और नारी को पुरुषों की तरह कपड़े मत पहनाओ। नारियों को यदि सुंदर बनाना है, आपके परिवार को आप सुंदर रखना चाहते हैं, तो कहते हैं नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी की से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। आईने ने एक दिन कहा कि माना माना कि मेरे चेहरे में कमियां बहुत हैं, लेकिन कभी दर्पण को भी साफ कर लिया करो, कभी अपनी कमियों को भी देखा करो। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हमने हमेशा अपने दोष दूसरों पर दिए हैं। जब भी कभी नारी ने युद्ध किया है तो हमने पद्म श्रीयां, उपाधियां, कला बांटे हैं उसको, और उसकी मूर्तियां चौराहों पर स्थापित की हैं। लेकिन जब नारी ने अपने गुणों को विकसित किया है, जिसने भी नारी के गुणों को विकसित किया है, आज हमारे जितने तीर्थंकर हैं, जितने महापुरुष हैं, चाहे गांधी हो, चाहे कोई भी हो, मदर टेरेसा आदि, इन्होंने अपने गुणों को विकसित किया है, तो लोग कहते हैं कि ये स्त्रीण थे, स्त्रीण गुण थे इनके अंदर, जबकि मैं कहती हूँ इनके अंदर स्त्रीण गुण थे। और जिस दिन स्त्रियों के गुण पुरुषों में आ जाएंगे, उस दिन युद्ध बंद हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि आज दुनिया में कलेश क्यों है, दुनिया में इतनी तलाकें क्यों हैं? क्योंकि या तो हमने कभी दासी समझा था, या समकक्ष बना लिया। समकक्ष रहने की भी जरूरत नहीं, दासी रहने की भी जरूरत नहीं, हम अपनी मान मर्यादा में जीवें। हम जीने के साथ साथ हम उन आदर्श नारियों का चरित्र अपने अंदर अनुकरणीय बनाएं, आदर्श बनाएं। जब नारी का चरित्र अच्छा होता है तो श्याम के पहले राधा का नाम लिया जाता है और राम के पहले सीता का नाम लिया जाता है। लोग राधे श्याम कहते हैं, सीता राम कहते हैं, त्रिशला के जाए कहते हैं, बामा के जाए कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान पैदा नहीं होते, मैं कहती हूँ कि स्त्रियां स्त्रियां हो जाएं, स्त्रियां अपने गुणों को लाएं, स्त्रियां अपने माधुर गुण को, नम्रता को लाएं, विनम्रता को लाएं, समर्पण भाव को लाएं। वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत में दोबारा से महापुरुषों का जन्म हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं नारी वो एक कोमल
बीज होती है जो कि विकसित हो जाए तो परमात्मा बना दे और जब विकृत हो जाए तो विनाश लीला रचा दे। नारी महाभारत भी करा देती है और नारी महान भारत भी बना देती है। नारी ही है, नारी से कहां तक छूटोगे? जन्म लेते हो तो वो सैया भी नारी ही जाती है और जब पलते हो तो पलना भी नारी है और माँ की गोद भी नारी की गोद है। पत्नी जीवन संगनी बनती है, वो भी एक नारी है। वृद्धावस्था में आपकी जवानी में आपके घर में बेटियां आप कितनी प्यारी होती हैं, वो भी नारी है। और वृद्धावस्था में कोई साध्वी बन जाए तो वो भी नारी है और अंत में अर्थी मिलती है, वो भी नारी जाती है। कब तक? और इतना ही नहीं, संसार में रहोगे तब भी नारी का आश्रय लेना पड़ेगा। दीक्षा लोगे तो पालकी भी स्त्रीण है और पालकी में जब आप शिला पर बैठोगे वो भी स्त्री है। जब आप तपस्या लोगे पीछी भी स्त्री है और उसके बाद मोक्ष जाओगे तो मुक्ति सुंदरी भी स्त्री है। इसलिए स्त्री से भागने की कोशिश मत करना। संसार में अपने बच्चों को ये मत कहना कि नारी जाति कलंकित है। नारी जाति यदि अपनी मर्यादा को खो देती है, मायाचार करती है, द्वेष करती है, कलह करती है तो वो नारी पतित महापतित है जो कि अपने वंश परंपरा को कलंकित कर देती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र, श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर कानपुर उत्तर प्रदेश, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर राजस्थान, श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन खेत वाले परिवार प्रधान दिगंबर जैन समाज गन्नौर हरियाणा, भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल डोमीवली महाराष्ट्र, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समीध शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00006311, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00002501।